Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. अच्छा जी यार, अभी हम लोग के पास ना पिंडी से एक मेहमान है, हमारा दोस्त है बिलाल, हमारे गांव आए शादी पे। तो बिलाल कैसा लग रहा है गांव हमारा, इसे हम घुमाने लेकर आए हुए हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? ठीक है, कैमरा शायद लग रहा है मुझे लगता है। यार इतने दिनों से हम लोग शादी की प्रिपरेशन करते हैं, आज फाइनली डे है, आज मेहंदी स्टार्ट होने लगी है और आज रात को खुसरे आ रहे हैं। कैसा फील कर रहा है तू स्माइल? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आज रात को हम मज़ा लेंगे जरा खुसरों के साथ। और शमीर से पूछें कैसा फील कर रहा है। शमीर तू क्या फील कर रहा है जी? जिंदगी स्माइल साहब होना गाल की थी, महात्मे की भी टेंशन बनी नहीं है, पर आज रात ही इंसान जा सकें चार तेरे में अबू असर सा खैर सा दे अबू भी आए दे सुनो ते हां इस ते अबू भी आए दे सुनो भी जरा धंधा शंदा कर सुन जरा चास चास बड़ा सुन माहौल जरा सुना गर्म जाओ सी। यार अभी हम लोग मेहंदी के फंक्शन के जाएंगे और अभी हम लोग यहाँ पे नहाने हैं। हमें यकीन माने इतना ठंडा पानी कोई इस तरह कोई फ्रीजर से पानी हम लोगों ने निकाला हुआ है और पीछे वो ऐसे नहा रहे हम लोगों के। जी हम लोग सारे रेडी हो गए हैं अभी मेहंदी के लिए, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। मुझे नहीं पता कि कौन सा जगह पे जाना हम लोगों ने, खैर अभी सारे कदम रेडी हो गए हैं और हम लोग निकलने लगे हैं अभी। यार हम लोग मेहंदी के लिए जा रहे हैं, हमारे पास ये जीप दी हुई है हमें, इसको चलाने भी नहीं आती है, ये गाड़ी है। ये देखें जी ये शमीर खान चला रहे हैं, ये रियान है, पर हमें भरोसा नहीं है, क्या पता चलते हैं। ये गाड़ी है, इसको चलाने भी नहीं आती है, खुली गाड़ी है, पीछे इतने ज्यादा बंदे बैठे हुए इसमें। भाई को हम लेके आए ढोलक वाले को, ढोल बजाएंगे गाड़ी में, अभी तक ढोल बजाना शुरू नहीं किया ना। ये सिस्टम ऑन हो गया भाई। सीन ये है कि अभी हम लोग मेहंदी पे हुए थे लेकिन हमारा रात को गाना था और हमें अभी पता चला है पीछे फौतगी हो गई है। तो शमीर जब तुम चास आने वाली थी वक्त इसका क्या पता लगेगा? बस जरा जी कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी है, उसने बोला ज़िंदगी मेला है। हमारे गांव में जब भी कुछ आती थी ना कोई फौतगी हो जाती है। तो बस यही हुआ है, आज भी ये मोने शोने खड़े हैं साथ गोले लेके, देख रहे हो रहा है लड़की वाले गा रहे हैं इधर हम आ रहे हैं, लेकिन अपने गांव में हम कुछ नहीं कर सके, हमें बड़ा अफसोस है जी। क्या सलाह खान आपको अपडेट करेंगे? आज फौजी हो गई है इसलिए गाना नहीं हो सकता। अकबर तू भी बोल लगे। गाड़ी थी जिसमें हम लोग अभी मेहंदी वाली साइड पे आए हुए हैं, हिल रही थी ना कोई इसमें वो है हॉर्न है ना कुछ है, इशारे लगते हैं वो भी तारे जोड़ के लगते हैं। अच्छा यार आज बारात का दिन है और कल रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी तो आज काफ़ी तेज़ पानी आया हुआ है गोल्डन में, तो हम लोग नहाने हुए हैं। हमारी गांव में ये लाइफ है, सुबह उठते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं उसके बाद नहाने वगैरह आ जाते हैं, अभी यहाँ से नहाएंगे फिर हम लोग तैयार होंगे, फिर हम लोगों ने बारात के लिए जाना है, तो बाद में फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी हम लोग बारात के लिए अब रेडी हो गए, अभी हम 10 मिनट में निकलेंगे बारात के लिए। हर सलाह यार टाइम साथ होता है वैसे, यार बात निकलने लगी है जी, बस हम रेडी हैं। बुखार की सुना अपनी आज? ठीक हो गए हैं बस, ये दो साल में दाद था आज थोड़ा बहुत सही हो गया है, ठीक हो गए हैं। वहाँ निमुट्टी बे उसा इसा आपने अक्त और निकाने कबूल की थे you. अच्छा यार आज बारात के बाद नेक्स्ट डे है तो आज मतलब एक दिन का गैप था, कल वलीमा होगा, तो आज 14 अगस्त भी है
हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नहाने वगैरह चले जाएँ, तो हम लोग नहाने के लिए निकले। कल बारात वगैरह पे मैं काफ़ी बिजी था, तो मैंने कोई व्लॉग वहाँ पे बनाया नहीं था क्योंकि इधर उधर काम थे। रात को ऐसा अंधेरा वगैरह हो गया था। यार अभी हम लोग सारे कज़न आए थे दुकान पे नीचे, तो जैसे ही हम लोग आते हैं दुकान ही बंद है। देखें जी, हम दुकान पर पहुँचे हैं, दो हमारे साथ एक बार लोचा हो गया, लोचा हो गया हमारे साथ दुकान बंद थी, तो हम अभी हम वापस ऊपर वाली दुकान पे जा रहे हैं। ऊपर वाली दुकान यार अभी हम दूसरी दुकान पे हैं, वो भी बंद होने वाली है, बस आवाज मार के हमने रोक ली है। हाँ बिल्कुल, अभी हमने अभी एक दुकान वाले को रोक लिया है, वो बंद करने वाले थे, बस हमने रोक लिया। मैं जा रहा हूँ, हमें अभी हम जा रहे हैं, वो भी बंद कर गया। दुकान से चीज़ हमें मिल गई अभी, यार सलाह सबको डाल के दे रहे हैं जूस शूस। खाने के बाद कुछ हमारा मूड सही है, अभी वो पेट भरे हैं कुछ, पहले तो भूख लगी। खाने के बाद हमारा काम किला हो गया। हाँ किला हो गया, लोचे से किला हो गई। हाँ हाँ, हमने खाना किला कर लिया। ये यरान है, ये भी मेरा कज़न है, नया है आज ब्लॉग में। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. The scene ye ke walima start hoega, kapde wagera humne change karne nahi kyunki humne roti wagera bantni hai. Jaise hi roti khuli hai dekho sare bhagne lage hain roti ki taraf. Bas abhi yahan pe dangal hone laga hai. यार अभी शादी वगैरह ख़त्म हो गई है, हम समझे थे कि सारा हमें खुद उठाना पड़ेगा, टेंट वगैरह कुर्सियां हमें देनी पड़ेंगी, लेकिन ये सब जिसका सामान था खुद आके ले गए। अभी हम बिल्कुल फ्री हैं, अभी बस लास्ट एक कज़न्स का ट्रिप रह गया है। यार वो टूर वाली जो बात थी ना, वो हमने जाना था जबरी जाना था नूरी वाटरफॉल वापस से ना, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था प्लान, सारे कोई काम शाम आ गए थे तो हम नहीं जा सके थे। तो फिर आई होप कि ये जो जितनी भी सीरीज़ है ना टोटल आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो बस ये गांव के ब्लॉग्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, मैं घर वापस आ गया पिंडी, तो पिंडी के ब्लॉग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा अल हाफिज़। ये कि यार अभी भाई तैयार हो गए हैं ढोलक बजाने के लिए, अभी हम चश्मे जाएंगे। रियान भाई क्या कहना चाहोगे?